आज का हमारा टॉपिक है संत तुकाराम मंदिर। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे जिले के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। आइए अब जानते हैं संत तुकाराम के बारे में। वह 17वीं सदी के वारकरी संप्रदाय से जुड़े संत थे। उन्होंने जाति और कर्मकांड का विरोध किया था। जाति विहीन समाज पर उनके संदेश ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया था। तुकाराम की शिक्षाएं गाथा में अभंग या छंद के रूप में संकलित हैं। यह मराठा वैष्णववाद के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आइए अब जानते हैं शिला मंदिर के बारे में। तो शिला एक चट्टान को संदर्भित करता है जो वर्तमान में देहू संस्थान मंदिर परिसर में है। यह सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा वारी का प्रारंभिक बिंदु रहा है। उनके द्वारा लिखे गए अभ्यंगों की प्रामाणिकता को चुनौती मिलने पर संत तुकाराम लगातार 13 दिनों तक चट्टान के एक टुकड़े पर बैठे रहे थे। जिस चट्टान पर संत तुकाराम 13 दिनों तक बैठे थे वह पवित्र और वारकरी संप्रदाय का तीर्थ स्थान है। आइए अब नजर डालते हैं वारकरी संप्रदाय पर। तो वारकरी वैष्णव भक्ति परंपरा थी। वारकरी संप्रदाय ने पंढरपुर में विठोबा यानी भगवान विष्णु के रूप के मंदिर के लिए नियमित रूप से लोकप्रिय तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी। विठोबा वारकरी संप्रदाय के देवता थे। इस संप्रदाय की सदस्यता जाति की सीमाओं के बंधन से परे है। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के विभिन्न सामाजिक समूहों की जन भागीदारी देखी गयी।